आईजीएम में अपन गए थे, हम फंड लाया था वो हर मशीन का, जो क्या बोलते हैं उसको, सोनोग्राफी रहे, सिटी स्कैन रहे, वो हम लाए और ये 10 दिन में उधर जाके ओपनिंग करने पार्टी लगाने गया। क्यों, तूने लाया था फंड, सिर्फ क्रेडिट लेना झूठा क्या? मीनाताई ठाकरे काम शुरू है, काम 80% होने आया और उधर जाके बोलता है क्या काम ना अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो आता है बॉम्बे से, आता है उसको इधर की मालूमात नहीं है, सिर्फ इधर के लोगों का सुनता है और कुछ भी बोलता है। और उसने क्या सोशल मीडिया पे डालना है, उसके फॉलोअर उसने बना के रखे, कमेंट देने के लिए बोगस आदमी रखे है, तो ये क्या बोगस काम करने का काम उसका है? आमदार बोलता नहीं, कुछ तो बोला था क्या बोलने, अभी बोलने लगा, तो मैं बोलता देखो हम बोलते नहीं है लेकिन हम झूठ भी बोलते हैं। एक बार बोला था बस स्टैंड को मैंने 70 लाख रुपया दिया, 70 लाख रुपया बस स्टैंड, अरे भाई बस स्टैंड मेरे वार्ड में आता है, तू कैसा पैसा दे सकता है? सिर्फ बातें करना, जो बोलते ना मीठा पोपट है वो पोपट जैसी बातें करता है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक औरत के लिए माँ बनने का एहसास सबसे खास होता है, और इसी एहसास को और खास बनाने के लिए श्री साई सेवा संस्था लाए है जरूरतमंद औरतों के लिए एक खास कैंप। संस्था द्वारा नॉर्मल डिलीवरी मात्र 8,000 रुपए में दवाइयों के साथ और फर्स्ट सिजेरियन मात्र 25,000 रुपए में दवाइयों के साथ रखा गया है। ये कैंप गैबीपीर हॉस्पिटल में लगाया गया है, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक रखी गई है। गैबीपीर हॉस्पिटल नियर अमजदिया स्कूल, शांति नगर रोड, भिवंडी। जो बिल के लिए जो मतलब अभिनंदन जो लाई गई है उसके बारे में एक तो बताइए, और जिस तरह से डीपी प्लान और काफ़ी सारी जो बातें विधायक को लेके वो सारी बातें अभी तो पूरा सविस्तर हर्षल पटेल ने बताया, क्योंकि ये योजना जो अपन विलासराव देशमुख जो योजना है वो कांग्रेस राष्ट्रवादी ने वो टाइम पे लाई थी, लेकिन वो योजना सिर्फ लाई थी तो अपने यहाँ नहीं लाई, मुमरा में जो जितेंद्र आवार था उनका ये था उसके लिए उधर मुमरा कलवा में लाई थी, लेकिन तभी अपने इधर नहीं है, तभी किसको याद नहीं आई भिवंडी की। आज हमने, हमारी सरकार है, हमने जाके बोला है क्या ऐसी ज़रूरत है, ये करना है, इतने दिनों से हम बोल रहे हैं, तभी ये योजना आज आई है, तो इसका श्रेय कोई और लेता है? श्रेय लेने को ये नहीं है, लेकिन काम हुआ ये हमारे सरकार ने किया, हमको ये यानी अभिमान है। भिवंडी शहर में काफ़ी काम हुआ, जैसे 52 रोड को लेके, मेट्रो को लेके भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तो उसकी उसका क्रेडिट दूसरे विधायक ले रहे ऐसा आरोप लगाया है? आरोप लगाया तो ये आपको देखना है हर चीज। मैं तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या मीनाताई ठाकरे काम शुरू है, काम 80% होने आया और उधर जाके बोलता है क्या काम ना अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो आता है बॉम्बे से, आता है उसको इधर की मालूमात नहीं है, सिर्फ इधर के लोगों का सुनता है और कुछ भी बोलता है, और उसने क्या सोशल मीडिया पे डालना है, उसके फॉलोअर उसने बना के रखे, कमेंट देने के लिए बोगस आदमी रखे है, तो ये क्या बोगस काम करने का काम उसका है, डालने का और चुप बैठने का, क्या लोग देखेंगे कल जाके बोलेंगे तो मैंने किया, तो ये काम है। और कुछ दिन पहले उसने बोला था, आमदार बोलता नहीं, कुछ तो बोला था क्या बोलने, अभी बोलने लगा, तो मैं बोलता देखो हम बोलते नहीं है लेकिन हम झूठ भी बोलते नहीं, किसके बारे में झूठ बोलते नहीं, अभी कुछ हर बात हर चीज़ अभी मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको भी एक गुजारिश है उसको जाके पूछो और लोगों को बताओ। आज आईजीएम में मैंने 10 करोड़ रुपया, मैं वो टाइम पे हमारी सरकार थी, 10-11 करोड़ रुपया हमने लाया था, तब मैं था, रुपेश मात्रे था, तब हमने लाया था, उसके बाद आज तक उसने 1 रुपया नहीं लाया। बातें कितनी बड़ी बड़ी की, बातें ऐसी की मैं क्या बनाऊंगा हॉस्पिटल में, क्या जुपिटर बनाऊंगा, क्या क्या बनाऊंगा, ऐसी बातें की, लेकिन कभी फंड आया क्या आपने पूछा कभी? उल्टा आज ऐसा मैं जब जाके देखा कल तो ऐसा लगा कि उधर आधे से ज्यादा दलाल भरे, तो अपन उनको कंट्रोल करना है कि ये कर रहे, लेकिन बात कैसी बड़ी बड़ी करते। एक बार बोला था बस स्टैंड को मैंने 70 लाख रुपया दिया, 70 लाख रुपया बस स्टैंड, अरे मैं बस स्टैंड मेरे वार्ड में आता है, तू कैसा पैसा दे सकता है? आमदार निधि दिया बोलता है, और अर्जेंटली मैंने 12 लाख रुपया दिया और डाल दिया व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने पूछा अरे मेरे को कैसा नहीं मालूम, मेरे वार्ड में मेरे क्षेत्र में पैसा आया और मेरे को नहीं मालूम, तो मैंने पूछा तो बोलता कोई 1 रुपया नहीं आया, और वो 12 लाख रुपये जो आया वो 12 लाख रुपये हर साल मेंटेनेंस को आता है, जो टेबल टूटा कुर्सी टूटा उसके मेंटेनेंस के लिए आया। आदमी झूठ बोले तो कितना बोले, तो झूठ की भी एक सीमा रहती है ना। अभी तुमने कभी पूछा, ये तुमको मालूम है ना कहाँ गया पैसा, आया तो कहाँ गया? आज आईजीएम हॉस्पिटल है, कितना पैसा लाया एक बार तो पूछो। सिर्फ नहीं मिलते नहीं, तुमको ढूंढना पड़ेगा व्हाट्सएप फेसबुक पे कैसे आते। स्कूल में 31 करोड़ रुपया स्कूल में आया, कहाँ गया 31 करोड़ रुपया?
बोलने को क्या बोल के चला जाता है, आप भी उनकी वाह वाह करते हो लेकिन आप उसका जवाब नहीं मांगते। 31 करोड़ रुपए आया है आज, मैं पत्रकारों से पूछता हूँ 31 करोड़ रुपए आया, कितने स्कूल को आया, एजम को पैसा आया क्या, बोलो ना, तुम बोलो अभी। सर शांति नगर की नहीं नहीं मेरे को बोल दो, ये सवाल आया क्या नहीं आया स्कूल, 31 करोड़ रुपए आया क्या नहीं बताओ। सर एक बात उसमें और भी है, नहीं अभी जो मेरा सवाल तो पूछो, तुम पत्रकार अखा तो आप क्यों, हमसे ज्यादा मालूम आपको है, आप कोना कोना घूमते हो। आया जो पूरा 5 करोड़ का बोला था, 5 करोड़ 31 करोड़ बोला था, अभी फिर भी आप गुमराह कर रहे हैं। स्कूल नंबर 62 की जो बात कर रहे थे, वहाँ पर शायद वो स्कूल को जो है जर्जर इमारत हो गई थी और पूरी तरह से तहस नहस करके स्कूल नए तरीके से बनाया जा रहा है, वहाँ पर लाया गया है इस तरह की जानकारी। नहीं 31 करोड़ लाया गया, मैं बोलता बोला था क्या 31 करोड़ मनपा के हर स्कूल को रिपेयर किया लाया था, बोला था क्या ये चीज, बोला था क्या, हाँ तो बोलो क्या, नहीं नहीं तो बोलो, नहीं बोला बोलो, नहीं वो चीज लेकिन अरे 31 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं सर, वही 31 करोड़ के शायद फंड से जो है रिपेयरिंग का काम चालू है। नहीं लेकिन 31 करोड़ हर स्कूल को लाया था बोला, एक स्कूल हुआ तो मेरे इधर भी एक दो स्कूल हुए, मैंने किधर बवाल नहीं किया, जो बोलता है ना जितना आया उतना बोलने का, क्यों झूठ बोल के गुमराह करने का। अरे एक बताओ ना तुम, इधर बोलता है क्या ये 70 लाख रुपया मैंने लाया, कहाँ आया बस स्टैंड को, अरे बस स्टैंड के लोगों को 3 बार टेंडर निकालो, बीओटी में देना है, इसके लिए वो टेंडर निकाल रहे हैं और 30 साल के लिए रुक गए उसके लिए। शांति नगर गायत्री नगर रोड नई बस्ती, अरे उद्घाटन किया तो देखो कुछ फंड एकाध दो रोड लाया होगा, लेकिन जो 52 रस्ते आए वो हमने लाए थे, उसमें भी उसने ये किया। आज मैं बोलता हूँ ये ब्रिज का ओपनिंग था, ब्रिज का ओपनिंग करने गए, अरे वो तो चूर के जुम्मा जुम्मा 15-10 दिन हुए तो मैंने ये किया। IGM में अपन गए थे, हम फंड लाया था वो हर मशीन का, जो क्या बोलते हैं उसको, सोनोग्राफी रहे, सिटी स्कैन रहे, वो हम लाए और ये 10 दिन में उधर जाके ओपनिंग करने पार्टी लगाने गया, क्यों तूने लाया था फंड, सिर्फ क्रेडिट लेना झूठा, तो ये अच्छी बात नहीं यार, लाना विकास के लिए फंड लाना चाहिए, भिवंडी सुधरनी चाहिए, हम भी चाहते। आज हमने जो किया है ना उसका तो बोलते 20% भी नहीं, कभी भी लगा उसको सामने 20% भी काम नहीं किया होगा उसने। आज मैंने बोलता 3 ब्रिज पास किए, मैंने 3-20 हो गए और 2 पास किए, सब रोड सीमेंट के 12 रोड पहले किए थे, फिर बाद में 2-3 रोड लाए, आज फिर एक रोड लाया, यानी अभी ओपनिंग किया मैंने 15-20 दिन पहले, दामनकर नाके से तक आनंदी गेट चौक तक वो 23 करोड़ का रोड है, फिर 65 कोटी के रोड अभी पास आए। अरे हमने जितना फंड लाया ना उतना वो लोग भी नहीं लाया, लेकिन कैसा है एक आदमी आता है ना लोगों को गुमराह करता है, लोग गुमराह हो रहे ये झूठ के पायंद पे, इतना झूठ बोलता है क्या उसका हिसाब, अरे बोलने से काम नहीं होता, बोलने से बड़ी बड़ी बात होती। आज मैंने कम से कम ना 1000 कोटी के 2000 कोटी के रस्ते दिए लेकिन पास नहीं हुए, मैंने दिया है पत्र देना और पास करना वो बात अलग है, पत्र मैं हर चीज का देता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम कितनी जरूरत है, मैंने CCTV कैमरे को दिया है पूरा भिवंडी के लिए, वो कैमरा भी पूरा होते आया, मैं बोला नहीं लेकिन आपको मैंने वो 2 साल से उसके पीछे लगा हूँ, हो चुका है अभी इधर ये हो चुका है लेकिन उसको आने को टाइम है, अभी 65 कोटी भी मेरे पास हुए लेकिन मैं अभी तो किधर तुम्हारा जैसा एक बवाल कर रहा है क्या, आएगा तब अपन बात करेंगे ना, आने को उसको टाइम लगता है। सर भिवंडी शहर के लिए मतलब भिवंडी विधानसभा में कई सारे सर उसके बारे में क्या कह रहा है, इस तरह से वो टंकी की चोट में देख मैं बोलता हूँ, मैंने भी बोला ना तुमको, मैंने 2-4 हजार करोड़ के काम डाले हैं लेकिन वो पास हुए क्या, ये बड़े बड़े बात वायदे करके बड़ी बड़ी बातें करके काम नहीं होता, पैसा आना चाहिए, तुम दिखाओ क्या है, सिर्फ बातें करना, जो बोलते ना मीठा पोपट है वो पोपट जैसी बातें करता है, दिखाता है लेकिन काम कुछ नहीं जगह पे, सिर्फ डाल देने का ये करना, मैं वो किया ये क्या, बोलने में होशियार होने से नहीं पब्लिक को काम मांगता है, काम किधर है, काम तो बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना तो बताओ ना मेरे, मैं बोलता ना 20-25% भी उसने फंड नहीं लाया आज तक। देखो जैसे मैंने बताया कि विलासराव देशमुख अभय योजना जो है ये महाविकास आघाड़ी की सरकार ने तभी जब लॉन्च की थी तभी ये सिर्फ उसका जो बेनिफिट है जो ऐसा अभी जो 110% कर्ज माफ़ी जो हुई ये सिर्फ मुमरा और करवा के लिए हुई थी, और जबकि सरकार थी महाविकास आघाड़ी की। आज जो भिवंडी में जो मुद्दे उपस्थित किए जा रहे हैं या पब्लिसिटी की जा रही है कि मैंने किया है, जैसे हमारे पूर्व के आमदार हैं वो बोल रहे हैं कि ये मैंने किया है, तो मेरा ऐसा सवाल उनको है कि आपने जब अगर आपने ये जो अभी किया है तो जब आप खुद सरकार में थे, अभी तो आप सरकार में नहीं हो, जब आप सरकार में थे महाविकास आघाड़ी की सरकार के एक घटक थे,
तब जब ये बुमराह के लिए कंसेशन दिया गया तब आप भिवंडी के लिए क्यों नहीं मांगे? तभी तभी तो आप सरकार में तभी आपने मुद्दा उपस्थित करना था कि ये आप भिवंडी को भी लागू करो, क्योंकि आप भिवंडी पूर्व के यहाँ पे विधायक हो। तभी उन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी जब हमारे माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी की सरकार आई, हमारे आमदार साहब महेश जी ने भी, वो मैंने जैसे बताया कि 5 अक्टूबर को उन्होंने भी एक पत्र दिया था कि जैसे आपने वहाँ पे लागू किया वैसे आप यहाँ पे भी करो। और जब भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये मान्य करके यहाँ पे लागू की, तब आप श्रेय लेने लगे कि बोले मैंने बोला आपने, जरूर मैं कहता हूँ आपने वहाँ पे मुद्दा उपस्थित किया था, लेकिन सरकार किसकी थी और किसने किया ये महत्वपूर्ण है। आपको पता था कि ये जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, और इसका फॉलो अप जो लिया ये पूरे पूर हमारे माननीय आमदार साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने लिया है भिवंडी वासियों के लिए, और उनके माध्यम से हुआ है। तो इसलिए जो काम आप खुद आपके माध्यम से हुआ है उसका आप श्रेय लोगे तो बात अलग है, लेकिन जो काम दूसरे ने किया है, दूसरी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया, उसका आप अगर श्रेय लोगे और लोगों के बोलोगे मैंने किया है पूरे भिवंडी में बैनर लगाएंगे तो गलत है। सर, डिग्री प्लान के बारे में क्या कहना है सर आपका? जिस तरह से आप सभा हुई थी उसमें आपने जिस तरह से मुद्दा उपस्थित किया था, काफ़ी सराहना हुई आपके शहर में, और जिस तरह से विधायक ने भी कहा है वो पूरब के पश्चिम के विधायक भी, तो क्या कहना है आपका? देखो, ये जो डीपी जब इन्होंने पब्लिश किया तभी ये पूरे डीपी का हमने स्टडी किया। हम सिर्फ एक राजनैतिक दल है या राजनैतिक दल के कोई पदाधिकारी है इसलिए कुछ भी जाके बोले, ऐसा नहीं। हमने पूरा अभ्यास किया कि ये डीपी कैसी गलत है। जो बहुत से मुद्दे मैंने उपस्थित किए वहाँ पे, जो चाविंद्रा का मुद्दा था डंपिंग ग्राउंड का, वो मुद्दा उपस्थित किया। बाद में दूसरा, जो जैसे हाईवे जो आते हैं, मैंने कहा कि MMRDC जो बना रही है हाईवे वो 36 मीटर के बना रहे हैं, और शहर में आने वाले रास्ते आप 36 मीटर के बना रहे हैं, कुछ लॉजिक नहीं है। जहाँ पे आप डीपी नया रोड बना रहे हो वहाँ पे इतनी बिल्डिंग है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप यहाँ पे जो तिलक मंदिर जो ऐतिहासिक वास्तु है वो भी आप डिमोलिश करने के लिए निकले। बाद में हमारा जो नजराना टॉकीज है, जो टॉकीज है वो भी आपने गायब किया। ऐसे अनेक मुद्दे आपने ये किए। एक काप तालाब दिखाया इन्हें, बड़ा तालाब दिखाया, अरे वहाँ पे तालाब है ही नहीं, वहाँ पे पूरा स्लम एरिया हो चुका है। यानी ये जो ऑफिस में बैठ के जो डीपी प्लान बनाया, इसमें विकास बोलते हैं, विकास अरागढ़ा इसको बोलते हैं, डेवलपमेंट प्लान, ये डेवलपमेंट क्या है इसमें, ये डेवलपमेंट मुमकिन ही नहीं। इसलिए ये जो मुद्दे उपस्थित किए कि जो आपने डीपी प्लान रखा है और ऑब्जेक्शन कॉल किए है, ये पॉसिबल ही नहीं है लागू होने का। आप 20 साल में जो चीज़ कर नहीं पाए, जो चाविंद्रा में आपने जहाँ पे पार्क का जो रिजर्वेशन था वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड चालू किया, और अभी जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है उधर डंपिंग ग्राउंड डाल दिया। तो ऐसे जो उसमें फ्लॉज बोलते हैं इंग्लिश में, कि जो उसमें जो गलत जो चीज़ उन्होंने डाली है, इसका जो मुद्दा उपस्थित किया हमने। और अब हम, हमारे आमदार साहब, हमारे संतोष जी, हम एक लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को दिए हैं, जो सर्वपक्षीय भी हमने मुद्दा उठा रहे हैं कि आप एक मीटिंग कॉल करो ये भिवंडी के डीपी के बारे में, और मीटिंग कॉल करके हमारी सुनवाई आप लो, और इस तभी तक ये जो डीपी है उसको स्थगित करो आप। क्योंकि अभी ये क्या करेंगे, अभी इन्होंने ऑब्जेक्शन मंगा है ना, ये फॉर्मेलिटी करके एक प्रोसीजर रहता है, ऑब्जेक्शन मंगाते हियरिंग लेते, ये सिर्फ हियरिंग लेके फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेंगे, बुलाएंगे, क्या कहना है आपका, ठीक है ये हो गया, ये फॉर्मेलिटी करने वाले। इसलिए हमारा अभी ये नेक्स्ट स्टेप ऐसा है कि हम एक समय मांगा है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का इस बारे में चर्चा करने के लिए, और ये डीपी तुरंत आप स्टे करें ये हम मांग करने जा रही है। और हमारी सुनवाई होने के बाद अगर आपको लगा कि ये गलत हुआ है तो इसको त्वरित आप रद्द करें, इसके लिए हमने बैठक ये करने के लिए पत्र दिया। इस तरह से भाजपा सरकार ने 52 करोड़ जो पास किए थे उसका श्रेय जो विधायक ले रहे, कई आरोप लगाए विधायक साहब ने भी लगाया और कई लोग लगा रहे, उसके बारे में क्या? सबसे पहले तो मैं आज पत्र परिषद हमारे जो हर्षल जी है जो हमारा अध्यक्ष है और खास करके आमदार महजी चोगले, इनको धन्यवाद देता हूँ कि एक काम करते और शेय को दिशा लेता है। तो आज पत्रकार के माध्यम से आप लोग भी पूछते हैं
क्या 52 रस्ते का तो आप लोगों ने उद्घाटन किया था, हमारे जो मिनिस्टर थे उस टाइम राज्य मंत्री वो खुद आए थे, कवि पाटिल थे, सब जगह आप लोग सब लोग पत्रकार भी थे। जिस रोड में अभी वो बोले हम बनाए तो उसका तो भूमि पूजा हम लोग ने किया था, तो जग जाहिर है कितने न्यूज में सब आया था और कितने मिनिस्टर एक ही दिन में मुझे लगता है 4 से 7-8 जगह हम लोगों ने उसका उद्घाटन किया था। और फिर 2.5 साल में फिर बंद हो गया था, 12 जगह में उद्घाटन किया था। और उस टाइम के नगर विकास राज्य मंत्री थे, देवेंद्र जी के पास खाता था मुख्यमंत्री का, हम उस टाइम में ओपनिंग किए। 2.5 साल बाद में कोविड की वजह से काम हुआ नहीं और गवर्नमेंट दूसरा आ गया, अब फिर कोई दूसरा शेयर ले रहा है। काम हमारा अहमदाज भाई जी जुगले बताया तो वो तो आपको गिना है एक एक चीज़, उसने हमारा अर्षद पटेल ने एक एक चीज़ पॉइंट बताया। तो हम जो काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, आप लोग देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि कोई भी काम करते पब्लिक को साथ में लेके, पत्रकार को साथ में लेके, कार्यकर्ता को साथ में लेके हम लोग काम करते हैं। उड़ता पंची नहीं हम लोग, क्या कुछ भी उड़े कुछ भी करे। तो ये भी जो शेयर ले रहे हैं अभी लोग को पता है झूठा झूठ कितना बात हो रहा है। जो जो आमदार महदी चुगली बोला कि बस स्टैंड तो BOT बेसिस में क्या ये कहाँ से फंड लाएगा, ठाकरे ऑल उन्होंने खुद भागदौड़ करके फंड लाया, उसका उद्घाटन उन्होंने किया है, भूमि पूजा उन्होंने किया, काम भी उन्होंने किया, ऐसे बहुत से झूठ सबको सामने आ रही है, चाहे वो पावर का मसला हो। अब जैसे डीपी महापालिका मैंने आउट किया लोगों में, तो हमारे आमदार मेरे मित्र आमदार रईस ने तापोड़ तो आप लोगों को बोला कि मैं DP लाया। और जैसे मालूम पर DP हर के बिल्डिंग से जा रहे, घर से जा रहे, किसी 5-5 हज़ार झोपड़पट्टी के अंदर जा रहे, तो बोलते मैंने नहीं किया। और वही चीज़ हमने स्टडी किया जब हमको लोगों ने, जब तक हम लोग इसमें गए थे नहीं, ना हमारे आमदार गए होंगे, ना खादा, ना जिलाध्यक्ष, ना हम लोग, जब हमको लोग ने बोला अरे तुम क्या करो हमारा घर जा रहा है, कोई बोल रहा है हमारा बिल्डिंग जा रही है, कोई बोलता हमने परमिशन किया है, ये देखा कुछ इंजीनियर जो हमारे पार्टी में उनका कहना कह रहे तालाब नहीं वहाँ तालाब दिखा रहे। तब जाके हर्षद पाटिल का अध्यक्ष के नाते अच्छे वकील भी है, उनको नगर विकास खाते का बहुत से मालूम है और हमारे मंडल ले ले जो अभी ज्वाइंट हो गए और बहुत अच्छा जानकारी रखते हैं, इतना सा जानकारी रखते कि उनको कलेक्टर के जो कमेटी उसमें भी प्लान की कमेटी में, तो जब हम जानकारी निकाले और हर्षद पाटिल ने जिस अच्छे जो मुद्दा माना सबके सामने, तब सबको हमको लगा ये तो बहुत गलत हुआ है। इसलिए हम लोग आमदार महजी चौगले ने पत्रवार किया है एकनाथ सिंधे को, एकनाथ सिंधे साहब को, देवेंद्र जी को, जल्दी हमको टाइम मिलेगा उस टाइम में BNDA गलत होने देंगे नहीं, क्योंकि जो अधिकार जो है अधिकार लोग ये इसमें बहुत बड़ा पैसे का भी खेल खेल रहे और बहुत जगह उन लोगों ने जाम मुझ के ऐसा जगह डाला है जगह BNDA का प्लान का परमिशन दे दिए, लोग ने 2-2, 3-3 कोटी डेवलपमेंट चार्ज भरे, उसने प्लिंथ निकाले, ऐसे 5-5 कोटी खर्चा किए जाम के उनमें डाल के, कुछ दलाल सब जगह घूम रहे जो हम आपको छुड़ा देते हम पैसा लेंगे, लेकिन दलाल लोग को भी बोलता हूँ, बिल्डर लोग को बोलता हूँ उनसे बच के रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज अगर ये महासभा रहता, अगर हमारी बोर्ड रहती तो ये नौबत ही नहीं आती, इसको हम लोग को सुधारने का एक मौका था, हम लोग सुधार चले गए। हम महासभा नहीं है, बोर्ड नहीं है, इसलिए ये अधिकार पूरा नगर से खाते में अक्षर पटेल ने सही कहा। अभी खाली जो टाइम मांग रहे वो खाली टाइम पास करेंगे और जो जो अधिकार इसमें जुड़े अपने महापालिका भी नहीं, उन लोग तो एक तो महापालिका पकड़ लेंगे, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस में आए ये सब माल चपट के निकल जाएंगे और डेवलपमेंट तो होएगा नहीं। 20 साल पहले जो डेवलपमेंट टाउन प्लानिंग था उसमें 10% में उन्होंने काम नहीं किया, 10% में नहीं किया। अब फिर इन लोग डेवलपमेंट डालने के बाद क्या होगा, काम नहीं करेंगे, लेकिन जो अब जाके BNDA की तरफ खुल रहा है हमारा, अब जाके कहाँ पे BNDA को 2 पैसे अच्छा दाम आ रहा है, अच्छा रेट आ रहा है, तुमको परमिशन नहीं मिला, क्यों? DP आने के बाद वो तो खुद करेंगे नहीं, लेकिन प्लांट डालते टाइम वो परमिशन जो नियम से परमिशन मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोगों नहीं देंगे। हमारे BNDA शहर अभी कहाँ डेवलप हो रहा है, मेट्रो आ रही है, आजू बाजू बहुत से लॉजिस्टिक है, तो हम आमदार महजी चौगले के नेतृत्व में सर्वपक्षीय सबसे बात हुआ, हमारा कांग्रेस से बात हुआ है, सेना से बात हुआ है, समाज से बात हुआ है, MIM हो जो भी छोटी मोटी पार्टी को, हम सब जाके शहर के हित में आमदार महजी चौगले के नेतृत्व में जल्द से जल्द बैठक होगा और इसमें 100% स्थगित ला के फिर विचार करने के लिए हम इसको कोशिश करेंगे।